नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर लीक से जुड़ा प्रकरण, मुख्य सरगना भूपेंद्र सारण के ठिकानों पर जयपुर पुलिस की रेड। मानसरोवर और कर्णी विहार इलाके में रेड मारी गई है। भूपेंद्र सारण की गर्लफ्रेंड रह रही थी मानसरोवर में। रेड के दौरान दोनों ठिकानों से भारी मात्रा में फर्जी डिग्रियां बरामद हुई है। विभिन्न कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जुड़ी 60 से ज्यादा डिग्रियां मिली हैं। मार्कशीट, प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, दर्जनों प्रकार की मोहर, रबड़ और सील मोहर समेत अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। नामी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की हैं डिग्रियां। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने की सूचना है। गिरफ्तार आरोपियों में भूपेंद्र सारण की गर्लफ्रेंड समेत 3 महिलाएं भी शामिल है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अनपढ़ और बिना योग्यताधारी लोगों को बना रहे थे डिग्रीधारी। कंपटीशन एग्जाम के लिए योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों को देते थे फर्जी डिग्री। फर्जी डिग्रियां हासिल कर दर्जनों लोगों ने फर्जी तरीके से हासिल की सरकारी नौकरी। विभिन्न कोचिंग सेंटर्स की मिलीभगत से चल रहा था पूरा खेल। मेरे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ चुके। सत्यनारायण, पेपर लीक मामले में ये सबसे बड़ा खुलासा कहा जा सकता है? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए बड़ा मामला था आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर जयपुर पुलिस नहीं अभी तो उदयपुर पुलिस, एसओजी और अन्य जिलों की जो पुलिस है वो इन मुलजिमों को तलाश कर रही थी, मास्टरमाइंड को ढूंढ रही थी। लेकिन जब पता पड़ा कि जयपुर के अंदर मास्टरमाइंड के जो ठिकाने हैं वहां पर उनका ऑफिस भी है, वहां उनकी गर्लफ्रेंड भी है, वहां उनका परिवार भी है, ऐसे में पुलिस ने संगठित रूप से यानी कि वेस्ट पुलिस और साउथ पुलिस यानी कि पश्चिम और साउथ जिले की पुलिस ने, मानसरोवर और करणी थाना पुलिस ने इस पूरी जो मुहिम है इसको अंजाम दिया। जब घर पे इन्होंने दबिश मारी तो घर से कई कॉलेजों की डिग्रियां, विश्वविद्यालय जुड़े हुए 60 डिग्रियां, मार्कशीट, प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप और कई जो मुहरें हैं बरामद की है पुलिस ने। इस मामले के अंदर भूपेंद्र सारण जो मुख्य आरोपी है उसकी गर्लफ्रेंड सहित 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और अन्य 3 युवक हैं उनको गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि इस पूरे खेल के अंदर कई रसूखदार और रसूखदार जो आका है उनके भी संबंध इसके अंदर मिले हैं। ऐसे में अब खुद डीसीपी इस मामले की जांच कर रही है, साथ साथ जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनसे हाई लेवल पर पूछताछ की जा रही है, यानी कि 3-3 एसएचओ और 2 एसीपी स्तर के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं, जिससे कि भूपेंद्र सारण वर्तमान में कहां है उसका पता लगाया जा सके। क्योंकि अगर भूपेंद्र सारण हाथ में आ गया पुलिस के तो पूरा केस ही सॉल्व हो जाएगा। विजेंद्र जी, बिल्कुल सत्यनारायण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।